सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। एक और नई रेसिपी के साथ आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। सो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही टेस्टी और 15 मिनट में बन जाने वाली ब्रेड की रसमलाई। सो आपने छेने की रसमलाई तो बहुत खाई होगी। सो आज हम आपको ब्रेड की रसमलाई बनाना सिखाएंगे, जो कि आप इतने आसान तरीके से बना लेंगे एंड वो खाने में बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलती है वैसी ही रसमलाई बनाएंगे हम उसको। सो आप भी उसको बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 kg मिल्क, जिसको हम एक कढ़ाई या फिर पैन में डाल देंगे एंड हम उसको अच्छी तरीके से चलाएंगे जिससे कि वो गाढ़ा हो जाए। तो हम ये दूध रसमलाई की जो रबड़ी बनती है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। सो अब हमको इस दूध को अच्छी तरीके से गाढ़ा कर लेना है, तो आपको इसी तरीके से इसको चलाते रहिए जिससे कि अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली कोई भी टेस्टी वीडियो की रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो हल्का दूध गाढ़ा हो जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 इलायची तोड़कर, एंड देन हम इसमें डाल लेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो आप चाहें तो कोई भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू, पिस्ता, बादाम और चिरौंजी डाली हैं। सो अब हम इसको थोड़ी देर और चलाएंगे। हमारा दूध बहुत गाढ़ा हो चुका है तो अब हम इसको थोड़ी देर और चलाएंगे। देन हम इसमें डालेंगे शक्कर 1 से 2 चम्मच, फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो शक्कर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको साइड में रख लेंगे। हमारी रसमलाई की रबड़ी बनके तैयार है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम बनाएंगे रसमलाई के जो पेड़े होते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मलाई ले ली है। देन हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच शक्कर और हम मलाई में अच्छी तरीके से शक्कर को मिक्स कर लेंगे। सो अब हमको ब्रेड ले लेनी है एंड हम 1 ग्लास की मदद से ब्रेड में इस तरीके से उसका गोल शेप काट लेंगे ब्रेड के, एंड आपको इसी तरीके से सारी ब्रेड काट लेनी है। देन हम 1 ब्रेड का पीस लेंगे, उसमें थोड़ी सी मलाई लगाएंगे बिल्कुल इस तरीके से 1 चम्मच करीब, एंड हम उसके ऊपर 1 दूसरा स्लाइस को इस तरीके से पुश कर देंगे जिससे कि अच्छी तरीके से दोनों साइड से वो कवर हो जाए और बीच में मलाई, और हम उसको एक बॉक्स में रख लेंगे। एंड हम दूसरी ब्रेड के संग भी यही करेंगे, उसमें मलाई लगा के 1 दूसरे ब्रेड से उसको कवर कर लेंगे और हम उसको उसी बॉक्स में रख लेंगे। आप चाहें तो 1-2 और बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 ही स्लाइस से बनाया है। देन हम अब उसमें रबड़ी डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर रबड़ी ठंडी कर ली थी। अब हम सारी रबड़ी को उन पेड़ के ऊपर डाल देंगे, मतलब ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे बिल्कुल इस तरीके से। आपको रबड़ी को अच्छी तरीके से उन ब्रेड के ऊपर फैला देना है जिससे कि वो पूरी कवर हो जाए और जो हमारी रबड़ी है अच्छी तरीके से, जिससे कि सारी रबड़ी ब्रेड में डिसॉल्व हो जाए। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। देन हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेंगे और उनकी मदद से हमारी रसमलाई को गार्निश कर देंगे। सो हमारी रसमलाई बन के तैयार है। सो आपने देखा कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बना लिया हमने ये रसमलाई को, और ये देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, जैसे बिल्कुल मार्केट में मिलती है वैसी, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। सो आप इसको अपने घर पर ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में और इतनी आसान है इसको बनाना। आप 15 मिनट में इसको आराम से घर पर बना सकते हैं। सो मैंने खोए की रसमलाई और 1 बच्चों वाली रसमलाई भी बनाकर दिखाई है, आप चाहें तो उनकी वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और आसान तरीके से बन जाती है। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां से जाके एक बार चेक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।